Subscribe and click the bell icon for television updates. एक्साइटेड कि मैं विश के साथ वापस आ रही हूँ ऑन इंडियन टेलीविजन, दैट टू ऑन कलर्स. कलर्स के ऑडियंस ने मुझे हमेशा रियलिटी शो में देखा है. सो कलर्स में मैं फर्स्ट एक एक्टिंग वाला डेली सोप में आ रही हूँ, विच आई एम थरली एक्साइटेड अबाउट. और इससे पहले ऑडियंस ने जो जितने भी किरदारों में मुझे देखा है उन सब से अलग है. इससे पहले जो भी किरदार मैंने निभाया है सब वन डायमेंशनल था, जैसे अच्छी तो अच्छी, फनी तो फनी, जो भी मतलब जैसा भी हो वो एक वन डायमेंशनल था. ये कैरेक्टर इसमें इतने शेड्स है, बहुत मज़ेदार है. मुझे खुद को ही नहीं पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. एक सीन ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं खुद मतलब फिनिश होता है, कट होता है, तो सामने वाला एक्टर बस हंसते हैं पहले, उसके बाद क्या था, आई एम लाइक मुझे भी नहीं पता मैंने किया क्या. बट बिकॉज इतना सारा स्कोप है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट. जितना मैं इंजॉय कर रही हूँ मुझे लगता है ऑडियंस भी, मेरे ऑडियंस उतना ही इंजॉय करेंगे. कमिंग टू द लुक ऑफ इट, द लुक इज़ इंस्पायर्ड बाय द लुक ऑफ प्रियंका चोपड़ा. वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, लोड्स ऑफ लुक टेस्ट, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाल को लोगों का कितने स्टाइल कर करके हम लोगों ने देखा. फाइनली वी decided and zeroed down on this look and this makeup, which is a very bold eye and absolutely nude lips. Or lips तो मुझे टेंशन ही नहीं है अभी, एकदम फीका सा लिपस्टिक जस्ट अबाउट इट एंड क्लीन स्किन, दैट्स इट. सो आई थिंक आई एम रियली इन्जॉइंग दिस न्यू थिंग. और मेहनत है थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ लुक पे अलग कुछ सोचना होता है, सीन्स में अलग कुछ सोचना होता है. और द काइंड ऑफ लुक्स, द साड़ीज़ जो मैं पहन रही हूँ वो सब कुछ ट्रेंड सेट करेगी, बिकॉज इट्स ऑल डिफरेंट, इट इज़ लुकिंग डिफरेंट. कोई नॉर्मल साड़ी, नॉर्मल सूट, नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलग है, स्टैंड आउट है, स्टैंड अलोन है. और उसके लिए मुझे खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली मैं हमेशा ही रखती हूँ. और इसलिए मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है. एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर कलर्स चैनल खुद इतना कॉन्फिडेंट है, उनके पास इससे पहले भी सुपरनैचुरल शोज़ होने के बावजूद वो लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक दे आर कॉन्फिडेंट इनफ. और दूसरी बात ये है कि ये कोई स्पेसिफिक कोई जानवर नहीं है, शी इज़ विश. विश इज़ एन अमलगमेशन ऑफ ऑल द विश. तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, दुनिया तरीके से मतलब जो जितने भी जानवर में विश है, सब विश इकट्ठा होके इसमें है. सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द विश, वो देखना काफ़ी विजुअली ट्रीट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है. और जो जिसको जो रेफरेंस मैंने देखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी मैं बार बार ये बात एंटरटेनिंग बोल रही हूँ, क्योंकि देख के ऐसा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा उसको देख के, लोगों को उस पर प्यार आएगा, मज़ा आएगा. I'm very happy. I said the show will come on from 10th of June, 10:30 PM, only on Colors. And if you miss it, watch it on Voot. And please write back to me here or on my own digital platforms or plus social media platforms, YouTube, anywhere, wherever you feel comfortable, how you are liking it. But whatever you do, watch it and shower your love.